गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा सुबह का प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा वर्क कर रहे होंगे। बेटा, हमने वसंत बुक है हमारी, उसके पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया। आज हम क्या करेंगे? पार्ट है 5। क्या नाम है जिसका? अक्षरों का महत्व, कि अक्षर हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है। किसने लिखा ये? गुणाकर मूल्य जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अक्षरों के बारे में बताया है कि अक्षर हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्यों आवश्यक हैं वो। क्यों हैं? क्योंकि जो अक्षर हैं, अक्षरों के बिना तो हमारा जो जीवन है वो निराधार है। ठीक है, अक्षरों से ही पुस्तक बनी है और उस जो करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं दुनिया में, तो उनको क्या है, आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। ऐसी कल्पना की गई है कि जो अनादिकाल था, यानी पहले, बहुत पहले का जो काल था, इस अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि जो अक्षरों का ज्ञान है वो हमें ईश्वर से मिला है, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमें ईश्वर से मिला है। ठीक है, बल्कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। अक्षरों की खोज कैसे हुई, और हमारी ये जो धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा है, और धरती पर कोई 5 लाख साल पहले मनुष्य ने जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, कैसे, उसने गांव में रहना शुरू किया, उसने खेती करने शुरू की, औजारों का इस्तेमाल किया, और उसने कौन से औजार किए, तांबे और कांसे के औजार बनाए थे। चित्र और संकेतों की सहायता से उसने जो पशु पक्षी और आदमी आदि के चित्र बनाए, और उनके संकेतों के भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी उन्हें को उसने क्या किया है कि जो जानवर वगैरह थे उन, वो भी भाषा बोलते हैं लेकिन हम उनको समझते नहीं। अब अगर एक छोटे बच्चे की हम बात करें तो वो कैसे बात करता है, वो संकेतों से अपनी बात को समझाता है। वो छोटा बच्चा जिसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे समझाएगा अपनी बात को, संकेतों से, कि मुझे दूध की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे खेलना है, मुझे बाहर जाना है। इस तरह से वो अपने जो इशारे हैं उनसे वो अपनी बातों को समझाएगा। अक्षरों की खोज हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है, यानी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। अक्षरों के बिना मनुष्य का जीवन निराधार है। अक्षरों से ही मानव ने जब से अपना हिसाब किताब लगाना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, एक नए युग की शुरुआत की है अक्षरों की खोज के साथ, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास जो है हमारा आरंभ हुआ है, यानी उसने लेख लिखे हैं तो इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। इतिहास के पहले का काल कौन सा है? जब से मानव ने लिखना शुरू नहीं किया था, और जब से लिखना शुरू किया है वो हमारा अब का दौर है। ठीक है, इस तरह से जो मध्य अमेरिका के ओजिबिवा आदिवासियों के चित्र दिखाए गए हैं इसके अंदर, ये इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ये इधर देवता दिखाया गया है जो सारे आकाश को घेरता है। ठीक है, ये और नगाड़ा है, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणाका कौवा और दवाखाने में आदमी, ऐसे ही ये दिखाए गए हैं। इनको समझना बड़ा ही मुश्किल है। देखो बेटा, इन सभी पिक्चर्स को आप ध्यान से देखो, इनको देखकर समझना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तब ऐसे ही चित्र बनाकर हम उनको समझते थे। हमें अक्षरों की खोज बाद में हुई है, हमने बाद में की है, उससे पहले का जो इतिहास था वो हमारा सभ्य इतिहास नहीं था, और इसलिए जो अक्षर हैं उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है।
ओके बेटा, आपको ये चैप्टर रीड करना है। लिसन केयरफुली दिस वीडियो एंड